Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima और मैंने finally देख ली है The Archies, वो ही Archies जो Zoya Akhtar का बहुत ही failed तरीका था इन Nepo Kids को launch करने का, वो ही Archies जो इन Star Kids की family धड़ाधड़ promote कर रही है, वो ही Archies जो 1960s में set होते हुए भी उस time की बिल्कुल feels नहीं दे पाए, और वो ही Archies जो originally Archies comics पर based है. I mean copy तो at least अच्छे से कर लेते यार. देखो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर worst movie का competition हो तो ये movie गणपत को टक्कर दे सकती है. So if I tell you about the story of this movie, bro, it's about a park. Yes. A freaking park. उसी पर पूरी मूवी बना दी यार. देखो इस मूवी का पोस्टर देख के ये जरूर लगता है कि 7 फ्रेश फेसेस लॉन्च होने वाले हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू. वन, बिकॉज़ ये जो बंदा है मिहिर आहूजा, ही वाज ऑलरेडी इन मेड इन हेवन. एंड सेकंड, व्हिच इज अ बिगर रीजन, कि इसमें मेन कैरेक्टर सिर्फ 3 है, ऑब्वियसली द मेन स्टार किड्स. सुहाना खान इज वेरोनिका लॉज, खुशी कपूर इज बेटी कूपर, एंड अगस्त्य नंदा एज आर्चिबाल्ड एंड्रयूज. आर्चिबाल्ड सुनते मेरे को सिर्फ नेट आर्चिबाल्ड याद आता है गॉसिप गर्ल से. आप कमेंट्स में मुझे बताना आपने वो ओरिजिनल ओजी ब्लेक लाइवली वाला गॉसिप गर्ल देखा है. एनीवे, द मूवी इज and is majorly inspired from the comic, और mostly सारी चीजें और सारे characters comics जैसे ही हैं. तो जो movie है, it's about a town that belongs to Anglo-Indian community in North India. Anglo-Indian being half British and half Indian, और इसी fact की आड़ में इन लोगों ने ये movie इतनी westernized कर दी कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि आप एक Indian movie देख रहे हो. सारे dialogues are majorly in English. Technically, Anglo-Indians were as Indian as they were British. वो लोग Indian culture, traditions, festivals सब celebrate करते थे. उनका इंडिया में स्टे बैक करने का मेन रीजन ही ये था क्योंकि वो इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे, और यही एक बात इन लोगों से मिस हो गई मूवी बनाते हुए. इंडियन अडैप्टेशन के नाम पर सिर्फ कुछ डायलॉग्स है पूरी मूवी में बस. सो वेरोनिका इज बिग रिच बिजनेसमैन्स डॉटर, जो कि 2 साल बाद लंदन से रिवरडेल वापस आई है ऐसे अपना लुई वुइटन बैग लेकर. To be honest, इसकी रील और रियल लाइफ में ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं मुझे. I mean, this sounds like actual Suhana to me. So, Veronica is best friends with Betty, जो कि एक बुक सेलर की बेटी है, एंड इन दोनों का क्रश है आर्ची, जो कि पूरी मूवी में इन दोनों को बस घुमा ही रहा है, because he is way too confused to pick one. I mean, wow, champagne problems. Simultaneously, इस मूवी में एक पार्क है which is called the Green Park, जो रिवरडेल के लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड टेक्निकली इट इज द हिस्ट्री ऑफ रिवरडेल. ग्रीन पार्क को डीकंस्ट्रक्ट करके वेरोनिका के फादर बनाना चाहते हैं वहां पर एक होटल, एंड वही टिपिकल चीज की ये सारे बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे. So, इसी पूरे ग्रुप की टीनेज फ्रेंडशिप्स और रोमांसेस दिखाने में ही पूरी मूवी निकल जाती है. ऑल इन ऑल, एक बार फिर हमने जो ट्रेलर में देखा था सिर्फ वही है मूवी में, और कुछ नहीं है, नथिंग न्यू. एक्ट में तो भाई क्या तबाही मचाई सबने. आई फाउंड अगस्त्य एंड मिहिर टू बी ओके टू बी ऑनेस्ट, बट व्हाट वाज खुशी कपूर डूइंग एंड व्हाट वाज सुहाना डूइंग, दे बोथ लिटरली टॉक लाइक दिस. रिवरडेल को भी याद रखना चाहिए ना कि वेरोनिका इज, मतलब साउथ बॉम्बे वाले लोग ही क्या नॉर्मल हिंदी में बात ही नहीं करते हैं क्या? मतलब ऐसे कौन बात करता है यार. इन दोनों की डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस सब बहुत ही खराब है यार. Who would accept that this is SRK's daughter? मतलब I am sure acting coaches वगैरह तो मिले होंगे ना इन लोगों को. And then they perform like this. Wow. और साथ में सब भर भर के shout out दे रहे यार एक दूसरे को. जानवी खुशी को hype कर रही है, अनन्या सुहाना को hype कर रही है, पूरा बच्चन खानदान अगस्त्य को hype कर रहे हैं. मतलब प्रेमियर के बाद की वीडियोस देख के तो ऐसा लग रहा था कि फैमिली और पेरेंट्स को ऐसे लग रहा है ओ मेरे बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे लिटरली किंडरगार्टन में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं बेटा यू डिड वेरी वेल, यू आर द बेस्ट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. आई मीन क्या है ये, कोई इनको रियलिटी चेक क्यों नहीं दे रहा है? एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रमोशंस, भाई इन्होंने मेबेलिन के साथ कोलैब करके पूरा एड बनाई है ऑफ लिमिटेड एडिशंस आर्चीज मेकअप. अब ये किसको चाहिए था भाई? हु इवन आस्क्ड फॉर इट एंड हु इवन आस्क्ड फॉर दिस मूवी? तो इस मूवी का गूगल डिस्क्रिप्शन सेज दैट इट इज अ टीन म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म. कॉमेडी का पता नहीं बट म्यूजिकल तो डेफिनेटली है, क्योंकि लिटरली 16 गाने हैं इस मूवी में. हर बात पे गाना, हर सीन के बाद गाना, हर सिचुएशन पे गाना, एंड हाफ ऑफ देम आर मोर ऑफ जिंगल्स. मेरे को ऑनेस्टली गाने लेम लगे यार थोड़े. आपको पसंद आए, आपने कोई सुना है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना. और इनमें से कुछ सॉन्ग्स में डांस और बॉडी लैंग्वेज और स्टेप्स इतने खराब है कि मैं आपको क्या बताऊं. कॉस्ट्यूम्स और सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छे हैं. स्टार्टिंग से ही ये मूवी आपकी आईज को काफी ज्यादा प्लीज करती है. दैट 60s के फिल्टर्स एंड कलर ग्रेडिंग मेड इट लुक रियली गुड. पूरा रिवरडेल जो शहर बनाया इन्होंने वो भी देखने में काफी अच्छा लगता है. मेरे को ना सच में बहुत पहले से इंट्यूशन ही आ रही थी कि भाई ये बकवास ही होगी, क्या जरूरत पड़ गई थी तो अख्तर को ये बनाने की. शी हैज मेड सम फैब फिल्म्स, गली बॉय, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेड इन हेवन भी उन्होंने बनाया था, एंड दे वर ऑल रियली गुड. एंड देन दिस, जो आर्टिकल पढ़ोगे, जिसका रिव्यू देखोगे ना, सब यही बोल रहे कि इट इज वेरी अंडरवेलमिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग. थैंकफुली 2 घंटे 22 मिनट की मूवी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई इसको और झेल भी सकता था. सो बीइंग वेरी 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 ऑनेस्ट, मेरे को ये मूवी बहुत ही एवरेज लगी, बिलो एवरेज भी बोल सकते हो, एंड इसीलिए मैं इसको देना चाहूंगी 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5. आपको देखने की स्टार किड्स कैसे परफॉर्म करते हैं तो देख लो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू डू योरसेल्फ अ फेवर एंड स्किप इट. सिर्फ ट्रेलर देख लोगे तो भी कुछ मिस नहीं करोगे. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो
प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय। और अब मैं जा रही हूँ रिवरडेल शो देखने नेटफ्लिक्स पे।